मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी, 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा, 110 के बराबर है। गाड़ी नहीं चलती, अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो भाई कच्चा खाने का बात कर रही हूँ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। लाइक मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन विच आर लाइफ सेविंग एंड टैक्स हैज बीन पुट ऑन इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय स्पेशली एबल्ड पीपल। दिस शुड बी अ शेम ऑन द गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट गिविंग चांस फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी, अब एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए। आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए। जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा किया था, की थी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है, लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो भाई कच्चा खाने का बात कर रही हूँ क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा? लाइक मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन विच आर लाइफ सेविंग, दे आर बिकमिंग डियरर एवरी डे एंड टैक्स हैज बीन पुट ऑन इक्विपमेंट्स यूज बाय स्पेशली एबल्ड पीपल। दिस शुड बी अ शेम ऑन द गवर्नमेंट दैट यू आर नॉट गिविंग चांस फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। यू नो लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री दे टेक मुड़ी एंड चीरा, मुड़मुड़ा करते हैं, चूड़ा करते हैं, दही करते हैं, पैकेज फूड तो भी सही, पैकेज फूड गरीब लोग उतना नहीं लेते हैं, लेकिन मुड़मुड़ा जिसको कहते हैं, चूड़ा जिसको कहते हैं, और हॉस्पिटल बेड्स, मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाएंगे क्या? अभी हाल ऐसा हुआ है इस देश का कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल टूडे स्टैंड एट एन एवरेज ऑफ 180 पर लीटर इन दिस ईयर, वेर एज इन 2014 इट वॉज ओनली 105। बोल रहे थे आप यूपीए के टाइम में, मैं याद करना चाहती हूँ, मैं बहुत इज्जत करती थी, अभी हमारे बीच नहीं है, लीडर थी यहाँ सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा था 2004 में कि हम जब छोड़ के गए थे पेट्रोल का लीटर था 35 रुपया और चंद महीनों में
यूपी आके उसको 66 रुपया बना दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी, 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा, 110 के बराबर है। गाड़ी नहीं चल रही, अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। अभी महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। चर्चा यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा, सभी बात रखने की अवसर सभी को मिलेगा, सब ठीक ठाक बात करके मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगी, आप एक जगह में आइए कि इतना टैक्स मत लगाइए कि आप ही को सिर्फ मुनाफा हो और गरीब मरते रहे। गरीब की तरह थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कमती कीजिए कि वो भी जी सके। नमस्कार सर, थैंक यू।